ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बड़े होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सिंपली गाइस, वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को कुछ इस टाइप से आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आप सभी को जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जाना है यहाँ से आप सभी को ये ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मॉडल को ले लेता हूँ एंड मॉडल को जो आप सभी को गाइस कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐड कर लेना है। एंड इसके बाद मैं पहले इसका ट्रांसफॉर्म करके मैं पहले रोटेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे लेयर में। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एंड इसको रोटेट कर लेंगे इस साइड को। एंड इसके साइज़ को हम सिंपली इस तरीके से बड़ा करके एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देंगे। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को कर देना यहाँ से सिंपली ऊपर से डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना है लेयर में। लेयर में जाके आप सभी को प्लस पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर बना लेनी है एंड इस लेयर को आपको अपने मॉडल के नीचे रख देना है। एंड आपको ब्रश का जो साइज़ है आप सभी को कुछ इस टाइप से रख लेना है, साइज़ को फुल रख देना है एंड इसका फोटो को जूम कर लेना है। एंड गाइस, जो मतलब कि ब्रश की जो ओपेसिटी हो, मतलब कि ओपेसिटी है, उसको आप सभी को कम करना है। ठीक है, अराउंड इसको 10 तक कुछ रखनी है। ठीक है, 9-10 तक रखनी है। एंड इसके बाद जो आप सभी को यहाँ से डन करके एंड सिंपली आप सभी को नीचे पैरों के पे इस तरीके से शेडो क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, एंड शेडो बना लेना है एंड दोनों पैरों के पास शेडो बना लेते हैं हम। तो गाइस, अभी हमें एक लेयर में शेडो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें दूसरी लेयर पर शेडो बनानी है। वो हमें कैसा बनानी है वो आप सभी को भी बताता हूँ। तो पहले मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर भी एक शेडो बना देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ से जाना है वापस से लेयर में। ठीक है, इस तरह से लेयर में चलते हैं, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं। इस लेयर को हम अपने मॉडल के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ऊपर रखने के बाद हम इसके साइज़ ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं एंड यहाँ से सिंपली हम पूरे शूज़ के ऊपर इस तरीके से पेंट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें जो हमारा पैर है इसको भी हम यहाँ पर डार्क करेंगे। ठीक है, तो दोनों शूज़ हैं इनको हम डार्क कर लेंगे एंड ऐसे कर देंगे डन। ठीक है, तो इतना काम हो चुका है हमारा, जो मतलब ड्रॉ टूल काम था यहाँ पर तो हमने कर लिया है। तो उसके लिए अब हमें करना क्या, पहले हम इसकी नीचे वाली जो ओपेसिटी नीचे वाली चीज़ उसकी ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ से इतना काम हो गया हमारा ड्रॉ टूल का, तो अब यहाँ से कर लेते हैं डन। ओके गाइस, तो इतना कर देने के बाद आप सभी को मैंने गाइस एक पीएनजी और दे रखा है, तो जो कि है मतलब कि इसका सीक्रेट का पीएनजी है। ठीक है, तो आप सभी को इसको ले लेना है एंड इसको लेने के बाद आप सभी को यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को इसको जूम करके रोटेट करके एंड जूम करते करते आपको कुछ इस तरीके से अपने हैंड पर लगा लेना है। ठीक है, तो आप जैसा पोज दोगे आप उसके हिसाब से आपको ये सिगरेट का पीएनजी को लगाना है, तो आप इसी तरीके से लगा लेना। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कुछ लगाने के बाद आप सभी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ से जो है अब हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं डन। ठीक है, एंड उसके बाद जो इसमें से जो स्मोक निकल रहा है हमारा, तो उसका पीएनजी भी मैंने आप सभी को दे रखा है, तो आप उस पीएनजी को ले लेंगे। एंड यहाँ से लेने के बाद हम फोटो को कुछ इस टाइप से जूम करेंगे एंड यहाँ से जो है इस साइड से हम इसको लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लेते हैं स्मोक के, हम इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा लेते हैं। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद हमने कुछ इस टाइप से लगा लेते हैं एंड यहाँ से क्या करना, हम सभी को अब कर देना है यहाँ से डन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्मोक का भी लग चुका है, तो अब लगाना हमें थोड़ा सा एक पीएनजी और। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इस पीएनजी को ले लेना है, ये पीएनजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो इस पीएनजी को जरूर लगाना आप सभी को, कुछ इस टाइप से आप फुल स्क्रीन कर दोगे एंड ये आपके यहाँ पे लग जाएगा। तो गाइस, इस पीएनजी से काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है, तो आप देख सकते हो है ना, तो ये पीएनजी जरूर लगाना आप भी। तो यहाँ से कर देने के बाद आप सभी को जाना है यहाँ से एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जाना है इस फर्स्ट वाले ब्लर में एंड इसके बाद जो इसकी ओपेसिटी रखनी 2 तक। ठीक है, 2 तक कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से जाना इरेजर टूल में एंड यहाँ से कर देना इन्वर्ट एंड ब्रश पर क्लिक करके ब्रश के साइज़ को छोटा करके एंड फोटो कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली इस तरीके से आपको यहाँ पर पेंट करना है अपने फेस के ऊपर। ठीक है, एंड पेंट करते करते आप सभी को यहाँ से फिर कर देना डन। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है यहाँ से टूल्स में। टूल्स में जाना है, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में फिर ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड इसके बाद इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश के साइज़ को छोटा करके कुछ इस टाइप से आपको अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इस तरीके से पेंट करना है। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ पर डोजन बन करना है आप सभी को वहाँ वहाँ पर पेंट कर लेना है। ठीक है, फेस वगैरह हर जगह, तो जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर यहाँ पर पेंट कर लेना कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ से जो है मेरी शर्ट के ऊपर भी आ गया था, यहाँ से क्या करेंगे हम इसको थोड़ा इरेजर टूल में जाकर यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेते हैं एंड ऐसे कर देते हैं डन। एंड इसके बाद जो है इसकी जो ओपेसिटी को हम कम कर देंगे एंड इसको कम कर देने के बाद यहाँ से कर देते हैं हम डन। एंड इसके बाद जो है गाइस हमारे क्या, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है हमें सेव कर लेनी फोटो को एंड चलना जाना है लाइटरूम ऐप के अंदर।
क्या करेंगे, ऐसे लाइट रूम मैप के ऊपर हम क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से हम लाइट रूम मैप को ओपन कर लेंगे। तो कैसे जब तक हमारा लाइट रूम मैप ओपन हो रहा है यार, और अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके क्लाइंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया था, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कैसे यहाँ पे जो है हमारी फोटो ऐड हो चुकी है एंड यहाँ पे हमारी फोटो ओपन भी हो चुकी है। तो आप सभी को यहाँ पे नीचे साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है एंड हाईलाइट है इसको कम कर देना है एंड शेडो है जिसको बढ़ा देना है एंड जो वाइट है इसको कम करके एंड ब्लैक को बढ़ा देना है और सॉरी कम कर देना है एंड जाना कलर्स में, फिर उसके बाद जो है वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड ऐसा टेम्परेचर को माइनस में कर देना है, मिक्स पे जाना है, ऑरेंज कलर पे जाना है एंड सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड जो ये येलो कलर इसके सैचुरेशन को भी माइनस कर देना है एंड जाना फिर ब्लू कलर में एंड जो इसका इसका सैचुरेशन इसको माइनस कर देना है एंड ऐसे जाना आप सभी को फिर नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी है आप सभी को इसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विग्नेट है इसको डाल देना है एंड इसको ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसका जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस इसको बढ़ा देना है एंड जो नोड डायरेक्शन है इसको बढ़ा देना है एंड जो कलर नोड डायरेक्शन है इसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड ऐसे चले जाना बैक एंड ऐसे आपको मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो बस देखिए ये बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।